उसके बाद एक पांचवी एक ऐसा उसलूब है, पांचवा एक तरीका है, टेक्निक है जिसके जरिए से एक कायद कायद बनता है। देखिए आज का दौर ऐसा दौर है बल्कि जिसके अंदर एक कायद वो होता है जो ऑर्डर कम देता है, बल्कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। ऐसे ऐसे लोग लीडर नहीं बन सकते। असल कायद वो होता है जो ऑर्डर तो देता ही देता है लेकिन वो किस्से सुनाता है जिसके जरिए से मोटिवेशन मिलता है। अब देखें कुरान मजीद के अंदर जो किस्से हैं उनकी हिकमत क्या है। अल्लाह ताला उन किस्सों के जरिए से इबरत देना चाह रहे हैं आने वाले लोगों को कि देखो इन किस्सों को पढ़ो। तो अगर किस्सों के अलावा किस्सों में जो असर है वो शायद ही किसी और चीजों में असर है। अलकिसस वल मवाकिफ, किस्सों का एक बहुत ही असर होता है। इसी वजह से इस्लामी तरबियत के जो उसूल हैं जिनके जरिए से हम एक बच्चे की या किसी भी शख्स की इस्लामी तरबियत कर सकते हैं उसके अंदर किस्सों का बड़ा किरदार होता है। तो ये जो है आज के दौर में इसी वजह से आज के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आज के जो उलमा उल इदारा हैं, जो मैनेजमेंट के माहिरीन हैं, वो यही कहते हैं कि आज के दौर के जो लीडर हैं ये ऑर्डर कम देते हैं, अब ज्यादा तफसील कम बताते हैं लेकिन किस्सों में ही अपनी बात बताते हैं, किस्से में वो असर होता है। तो इस वजह से हमें भी कुरान मजीद के किस्सों के जरिए से यही हमें सबक मिलता है कि हम किस्सों की जबान को इस्तेमाल करें और ताकि लोग हमारी बात को समझें और उसको उससे कायल हो जाएं। और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।